नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं रोहित शर्मा आपके साथ एक बार फिर से जुड़ चुका हूँ। दोस्तों, सबसे ज़्यादा मेरे को क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर हम ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहला ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर हम फिजिकल सर्विस या फिजिकल प्रोडक्ट को सेल कर सकें और उसके अलावा हम डिजिटल प्रोडक्ट को भी सेल कर सकें और उसके बदले जो पेमेंट हमें मिले वो हमारे बैंक अकाउंट में आ जाए और ऑल इंडिया में हम उसे सेल कर सकें। और ऐसे कैसे हो सकता है कि आपके कस्टमर को सारे ऑप्शन मिल जाए, वो जैसे भी पेमेंट करना चाहे पेमेंट कर सके और आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाए, तो उसी की बात करूँगा। और कैसे आप यह स्टार्ट कर सकते हो तो उसको भी मैं आज करके दिखाऊंगा। तो इंस्टा मोजो नाम से एक साइट है, वो आपको ये सर्विस देती है। चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे वो यूज करनी है। आपको instamojo.com ओपन करनी है, ये उनकी साइट है। आप साइनअप कर लेना अगर आपने साइनअप नहीं किया है, और साइनअप करने में कोई दिक्कत नहीं है। साइनअप अपने बिजनेस के लिए करना तो ईमेल आईडी डालना, कोई पासवर्ड चूज करना, उसके बाद आपके बिजनेस की डिटेल मांगेगा, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल मांगेगा और आपका पैन कार्ड नंबर का, उसे सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पे स्टोर बन जाएगा। अब बात करता हूँ स्टोर कैसा दिखेगा आपका, मैं अपने स्टोर को खोल के दिखाता हूँ। मैं लॉगिन पे ओके करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरा स्टोर यहाँ पे है। तो अभी मैंने यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दिया है। लॉगिन योर अकाउंट पे ओके करता हूँ, ये मेरा अकाउंट ओपन हो जाता है। पासवर्ड को सेव कर दूंगा और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे मेरे को डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बोल रहा है। देखो, अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते तो मतलब अगर सबमिट नहीं करोगे तो एक महीने में 10,000 रुपये तक का आप सेल कर अकाउंट में ले सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे पैन कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल, बैंक की जो पासबुक वगैरह की फ़ोटो वो सबमिट नहीं की, बैंक डिटेल तो सबमिट कर दी। तो वो आप कर देना, अगर 10,000 से ज़्यादा की आपकी सेल होती है मंथ में तो कर सकते हो। मैंने ये स्टार्ट किया था, मेरे को अच्छा लगा, मेरे को पेमेंट भी रिसीव हुआ बैंक में, तो मैंने इसको स्टार्ट किया। देखिए अब आपको करना क्या है, वो सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। देखो, मेरी जो टोटल सेल है 290.18 की हुई है, 7 ट्रांजैक्शन हुए हैं, 7 लोगों ने मेरा को मैं सेल करता हूँ डिजिटली करता हूँ। अगर आप चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, और ये पैसा ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है 3 बिजनेस डेज के बाद। मैं इसे डेस्कटॉप मोड पर लगा देता हूँ। देखो, डेस्कटॉप मोड पे लगाने के बाद आपको ये ऐसा दिखेगा, अगर आप लैपटॉप में भी चालू करते हो तो इसी टाइप का आपको ये दिखेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे, और अगर आपको प्रोडक्ट ऐड करना है और उसे सेल करना है तो आपको प्रोडक्ट एंड स्टोर पे ओके करना है। ये आपको दिख रहा है बटन, उस पर ओके करना है। अब ऊपर आपको ऐड प्रोडक्ट का बटन दिखेगा, उस पर ओके करना है। उसको ओके करने के बाद आपको यहाँ पे देखो कितनी सारी कैटेगरी दिखेंगी। अगर आपका फिजिकल प्रोडक्ट है तो फिजिकल प्रोडक्ट सेलेक्ट करके टाइटल वगैरह डाल के कि क्या प्रोडक्ट है, उसका डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट है तो उसकी डिटेल पूरी, उसकी फ़ोटो वगैरह, उसकी प्राइस वगैरह वो सारी डाल के ऐड प्रोडक्ट पे ओके कर देना है। आपके स्टोर में जाके प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। अगर डिजिटल प्रोडक्ट है तो डिजिटल में भी आपको जो पीडीएफ फाइल हैं, जैसे आप फाइल वगैरह बनाते हो, किसी कोर्स को बनाते हो, ऑनलाइन बुक्स सेल करना चाह रहे हो, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। सबसे पहले क्लिक फाइल, आपकी जो पीडीएफ फाइल है या आपका कोई एप्लीकेशन है उसकी एपीके फाइल है या कुछ और भी है, उसे सेलेक्ट करके उसे ऐड कर दो। फिर टाइटल डाल दो, टाइटल मतलब आपका प्रोडक्ट का क्या नाम है। और उसके बाद आप नीचे आइए, एंटर फीस, जितना पैसा आप चार्ज करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, और प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, उसके बाद ऐड प्रोडक्ट। ऐड प्रोडक्ट करते ही ऑटोमेटिक आपके स्टोर में प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप इवेंट की टिकट भी बुक कर सकते हो, अगर आप सेलिब्रिटी और आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो तो यहाँ पे अपने इवेंट की टिकट भी लगा सकते हो, उसके भी पैसे ले सकते हैं, तो वो भी नॉर्मली आप कर सकते हैं। इसके अलावा अदर का ऑप्शन आता है तो कुछ और है, इन 3 चीज़ों को छोड़ के तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। अब मैंने कुछ प्रोडक्ट ऐड किए हैं, मैं उन्हें दिखा देता हूँ। देखिए, इधर हेल्पर क्लब लिखा है, इस पर ओके करेंगे तो योर ऑनलाइन स्टोर पर ओके करना है। सॉरी, मैंने सेटिंग पर ओके कर दिया, ऑनलाइन स्टोर पे ओके करना है। उस पे ओके करने के बाद आपके सारे प्रोडक्ट दिख जाएंगे। देखिए, केवल मैंने 3 प्रोडक्ट सेलिंग के लिए लगाए हैं, जिसमें से मेरे 2 प्रोडक्ट के रेट हैं फिक्स। एक है ब्लॉगिंग के बारे में, अगर कोई ब्लॉग वगैरह बनाना चाहता है वर्ल्ड फ्रेस पे, उसकी A to Z जानकारी दी है। और एक एफिलिएट के बारे में कि अमेजोन के साथ कैसे एफिलिएट बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। और ये हेल्पर क्लब का एप्लीकेशन है, जो हेल्पर क्लब की वेबसाइट है वो फ्री में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर इन दोनों में से आप कोई ख़रीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे
दूंगा। तो ऐसे ही आप अपने प्रोडक्ट को जब ऐड कर दोगे तो इस टाइप के दिखने लगेंगे। अब मानते हैं कोई कस्टमर आया, किसी को ये फाइल चाहिए, मतलब जो एप्लीकेशन मैंने बनाया है, तो यहाँ पे देखो नीचे पूरी डिटेल आ रही है, उसके बाद ऊपर आ रहा है अमेजोन एफिलिएट, क्योंकि मैं ही इसे सेल कर रहा हूँ। तो बाई नाउ पे कोई भी आपका कस्टमर क्लिक करेगा, उसके बाद अपनी डिटेल सबमिट करेगा। चलिए मैं जल्दी जल्दी कोई भी डिटेल सबमिट कर देता हूँ, जिससे क्या हो कि आपको हाँ समझ में आ जाए कि भाई अगर कस्टमर बाई करेगा तो किस टाइप का उसे दिखेगा। तो मैं कोई भी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देता हूँ, जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे इन्हें भर देता हूँ, ठीक है। एंटर अमाउंट मतलब कितने रुपए में आप इसे ख़रीदना चाह रहे हो, 49 मिनिमम रुपए मैंने सेट कर दिया कि इससे ज़्यादा भी कोई देना चाहे तो वो दे सकता है, ठीक है। 49 ही देना चाहता हूँ पर मैं, तो ओके करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पे ओके करता हूँ, जैसे आपका कस्टमर करेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे मेथड आ जाते हैं, UPI से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सभी वॉलेट, NEFT, बैंक ट्रांसफ़र, सारी चीज़ें। तो ये लोग किसी भी थ्रू पैसे ले लेते हैं, कोई भी मतलब आपका कस्टमर कैसे भी पेमेंट कर सकता है और आपके सीधे बैंक अकाउंट में उन पैसों को ट्रांसफ़र कर देते हैं 3 वर्किंग डेज के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छा है और आप इसे यूज कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रोडक्ट है और जिसका आप ऑनलाइन पेमेंट लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। और एक और बात कि अगर आपका फिजिकल प्रोडक्ट है और आपको डिलीवरी की टेंशन है तो ये लोग डिलीवरी भी आपकी करा देते हैं, तो वो सारी चीज़ें इनके यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ऐसी वीडियो आगे भी पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।